एक्सेल में हम छोटी मोटी कैलकुलेशन को सीखेंगे। एक्सेल में हम जो सीखेंगे वो छोटी मोटी कैलकुलेशन को सीखेंगे, कैसे छोटी मोटी कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स है, या सेल्स है, कुछ ऐसे नंबर्स है, खर्चे हैं, इस तरह से हमने कुछ नंबर्स को लिख दिया। अब मुझे इन नंबर का टोटल निकालना है। इन नंबर का टोटल कैसे निकालेंगे? तो टोटल निकालने के लिए एक्सेल में क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है। कोई फॉर्मूला कैसे टाइप करते हैं? तो फॉर्मूला टाइप करने के लिए आपको प्रेस करना होगा इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद जैसे आप अपना फॉर्मूला का नाम लिखेंगे या लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला आएगा, तो मैंने सम लिखा, फॉर्मूला सम आ गया। अब मैं अपने कीबोर्ड का टैब टैब की जो होता है उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लग के ब्रैकेट लग जाएगा। हालांकि अभी पूरा भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप जिसको कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब सम करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। जब भी टोटल निकाले तो उसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर दें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये टोटल है। लेकिन अगर आपको दो नंबर को आपस में सम करना है, माइनस करना है, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे दोनों को 52 और 65 को सम करना है, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, 55 पे माउस से क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 65 पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये दोनों का आपस में टोटल आ जाएगा। जब हमने प्लस किया है तो हम माइनस भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई करना है तो सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करना है, सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पे पावर भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे 10 का 2 पावर चाहिए, मतलब 10 स्क्वायर चाहिए, तो आप 10 को सेलेक्ट कर लो और पावर का सिंबल ही होता है, तो शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो पावर का सिंबल आएगा, और फिर 2 को सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस करें तो आपका 10 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चीजें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, लेकिन एक्सेल के भी कुछ इनबिल्ट फॉर्मूले हैं। जैसे कि हमने आगे बताया सम, सम के बाद एक फॉर्मूला होता है एवरेज। एवरेज फॉर्मूला, इसको हिंदी में हम लोग औसत कहते हैं, औसत निकालते हैं। अब औसत क्या होता है? देखिए औसत अगर आप मैथ में पढ़ेंगे तो सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू, मतलब मान लीजिए कि आपने पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, कभी 10 रुपये दे देते हैं, कभी 20 रुपये दे देते हैं, कभी 30 रुपये दे देते हैं, कभी 40 दे देते हैं, कभी 15 दे देते हैं, कभी 20 देते हैं, कभी 10 दे देते हैं, कभी 5 दे देते हैं। आपके पापा ने कितने पैसे दिए टोटल? आपके पापा ने 40, यहाँ पे मुझे पता करना है कि मेरे पापा ने मुझे कितने पैसे दिए। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? सम। क्या यूज करेंगे? सम। सम फॉर्मूले मुझे बता देगा कि टोटल कितने पैसे हमें मिले। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है काउंट का फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला क्या करता है? काउंट करके बताता है कि पापा ने हमें कितना बार पैसा दिया, कितना बार पैसा दिया। तो 150 रुपये उन्होंने 8 बार करके दिया, तो औसत मतलब कि एवरेज एक दिन में वो कितना पैसे दिए, तो हम 50 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 8 से। 150 को डिवाइड कर दिया 8 से, तो रिजल्ट आ गया 18.75। तो इसी तरह के कैलकुलेशन हमारा एवरेज करता है। तो अभी आपने सीखा सम का फॉर्मूला जो नंबर्स को सम करता है, एवरेज का फॉर्मूला नंबर का एवरेज निकालता है, और हमने आपको बताया काउंट का फॉर्मूला जो काउंट निकालता है कि कितना गिनती निकालता है। फिर आता है मैक्स का फॉर्मूला जो एक डेटा में बताता है कि मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है वो आपको यहाँ बताता है, और मिन का फॉर्मूला सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है वो बताता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है ये बता, मिन का फॉर्मूला। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें, आप लोग देखा होगा, आप लोग के स्कूल में मिलता होगा शॉर्ट, शॉर्ट करने के लिए, मतलब कि आपको आपको बोला कि इसको शॉर्ट बढ़ते हुए क्रम में लिखे, राइट द इंक्रीजिंग नंबर। तो इसके लिए एक्सेल में शॉर्ट का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 1 करें शॉर्ट इंडेक्स में, उसके बाद बोलेगा शॉर्ट ऑर्डर,
कि आपको बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग में एक दो तीन चार ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो असेंडिंग सेलेक्ट कर ले, मतलब वन सेलेक्ट कर ले। डिसेंडिंग करना है तो माइनस वन सेलेक्ट करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे सारे नंबर आपको यहाँ पे चल जाए। तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, तो फटाफट इसको करना शुरू करो।